हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल फार्मा ट्यूटोरियल। तो मैं सरल बैच का आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ व्हाट इज अ साइनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम स्टार्ट करे हुए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब सब्जेक्ट है। तो मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए यूनिट फर्स्ट के, आप लोग देख सकते हो, जिसमें मैंने न्यूरोग्लिया और नर्व फाइबर्स जो है उसको एक्सप्लेन किया है। तो आज से मैं बताने जा रही हूँ साइनैप्स। तो द वर्ड इज साइनैप्स इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर यू आई नो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को लगता है ये साइनैप्स, सिनेप्टिक लेफ्ट पी, सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक, लोग मतलब टीचर्स के ना क्लास में वाइवा में ऐसे खड़ा कर देंगे, पूछो बताओ क्या होता है सिनेप्टिक लेफ्ट, पता है नहीं पता होता, क्योंकि हम नए नए जाते हैं बी फॉर्म में, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर जैसे जैसे आप मतलब आप लोग को अच्छा लगने लगेगा, मतलब होता नहीं एक मोहब्बत जब हो जाएगी बी फॉर्म से, तो इनके सब्जेक्ट्स जब आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें नॉर्मली बहुत आसानी से याद हो जाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हम इन्हीं के बीच रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जहाँ पे भी स्पेशली अगर आप फार्माकोलॉजिस्ट हैं, मतलब आपको फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको ये मिलना ही मिलना है। हर रिसेप्टर तो मतलब फार्माकोलॉजी की जान है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी होने के बाद। तो साइनैप्स होता क्या है, देखो, द जंक्शन एट विच नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन इज कॉल्ड साइनैप्स। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो द जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है, देखो हमारा जंक्शन कहते नहीं है, इसको कहते हैं कि ये जंक्शन वो जंक्शन, जहाँ पर ट्रेन जो होती है वो रुकती हैं, पैसेंजर जो होते हैं मतलब चढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे कहते नहीं है कि कौन सा जंक्शन, जैसे बताए तो बनारस जंक्शन ऐसे लिखा होगा, और देखा जाए तो ऐसे पुणे जंक्शन, मुंबई जंक्शन ऐसे कभी कभी लिखा होता है ना, लिखा ही होता है मोस्टली स्टेशन पे। तो जंक्शन मतलब ये होता है कि जंक्शन वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो देखो द जंक्शन एट विच नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, देखो एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन यहाँ से अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का जो होता है उसे कहते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसको जहाँ पे कुछ ज़्यादा जहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक। प्री के बाद ही पोस्ट आता है, पहली चीज़ ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया प्री सिनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक पे क्या लगे हैं, रिसेप्टर्स लगे हैं। अभी जो रिसेप्टर होते हैं, जो छोटे छोटे आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, मेनली न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये जो है इम्पल्स लिए हुए, मतलब जो इम्पल्स कोई जनरेट है तो इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे, न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ मैसेंजर, मैं नेक्स्ट मतलब मैं बताने वाली हूँ न्यूरोट्रांसमीटर। तो उसके पहले क्या था, इतना जानो, तो ये क्या था, देखो वेसिकल होते हैं, तो प्री सिनेप्टिक में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं आके स्टोर होते हैं, फिर वहाँ से जब जब कोई इंपल्स आता है तो उसके कहते हैं एक्साइटो टॉक्सिसिटी होती है। तो एक्साइटो टॉक्सिसिटी मतलब कहता है सॉरी एक्साइटोटॉक्सिक्स मतलब क्या होता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सीसाइटोसिस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बाहर आ जाते हैं और आके अपने रिसेप्टर पर क्या करते हैं, वो जो ट्रांसमीटर बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद फिर बहुत सारी अंदर नीचे प्रोसेस होती है, तब जाके कोई हमें एक्शन दिखता है, तो उसे कहते हैं साइनैप्स। तो ये क्या होता है, द जंक्शन एट विच नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, यानी जो बीच में है इनको क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। द जंक्शन एट विच नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। तो ये हो गया आपका प्री साइनैप्टिक, ये हो गया पोस्ट साइनैप्टिक, और जो बीच का बचा होता है, ठीक है, इसी बीच उसको क्या कहते हैं, साइनैप्टिक लेफ्ट कहते हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ साइनैप्स की, तो मोस्टली जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं आप लोग ये देख लेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, एक्सोडेंड्राइट। एक्सोडेंड्राइट होता है, एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सोन से मिला है, एक्सो और डेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक। तो एक्सो मतलब हो गया एक्सोन, और डेंड्राइटिक मतलब डेंड्रॉन जो न्यूरॉन्स में होते हैं वो। फिर एक्सोसोमैटिक मतलब क्या हो गया, एक्सो मतलब एक्सोन, सोमैटिक मतलब, सोमैटिक मतलब क्या होता है, सेल बॉडी, ठीक है, सोमा। फिर डेंड्रोसोमैटिक, डेंड्रो एक्सोमैटिक, डेंड्रो डेंड्राइटिक, और देखो बस करना क्या है, एक्सोन डेंड्राइट और सोमैटिक, मतलब एक्सोन मतलब एक्सोन हो गया न्यूरॉन्स में जो पहले पढ़ाई हूँ, डेंड्राइट मतलब डेंड्राइट्स हो गया, और सोमैटिक मतलब सेल बॉडी हो गया। तो इन तीनों को आगे पीछे करके हमें क्या करना है, 6 चीज़ें बनानी है, बस हो गया ना यार। तो टाइप ऑफ साइनैप्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है कि अगर एक्सोन और डेंड्राइट के बीच साइनैप्स है तो एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोन और सोमैटिक के बीच मतलब सेल बॉडी के बीच है तो एक्सोसोमैटिक, डेंड्रो और सोमैटिक के बीच है तो डेंड्राइटिक, डेंड्रो और एक्सोनिक के बीच है यानी डेंड्रॉन और एक्सोन के बीच है तो डेंड्रो एक्सोनिक, डेंड्रॉन और डेंड्राइटिक के बीच है तो डेंड्रो डेंड्रॉनिक, एक्सोन और एक्सोनिक के बीच है तो एक्सो एक्सोनिक। बस हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे सोमैटिक और सोमैटिक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स की, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द सिनेप्टिक नोब ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब ये करता है कनेक्ट करता है सिनेप्टिक नोब को, सिनेप्टिक नोब मतलब ये जो नोब मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में। तो प्री सिनेप्टिक नोब कंटेन द सिनेप्टिक वेसिकल फील्ड, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना सिनेप्टिक वेसिकल,
तो इसे क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक है ये क्या कंटेन करता है, सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल मतलब क्या होता है, ऐसे फूली हुई एक थैली जैसी स्ट्रक्चर, तो वो होता है वेसिकल। तो प्री सिनेप्टिक क्या कंटेन करता है, वेसिकल कंटेन करता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, फील होते हैं। और लास्ट द गैप बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि कितना होता है, 20 to 30 nanometer का गैप होता है। ये जो गैप है इनके और इनके बीच में, ये जो दिख रहा है आपको, ये 20 to 30 nanometer का गैप होता है, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना है, बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं करनी, मतलब जैसा मैं लिख रही हूँ वहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप ऐसा भी लिख रहे हो तो मैं श्योर कहती हूँ आप अपने क्लास के टॉपर ना हो तो बताना, मतलब सच बता रही हूँ। और मुझे रिजल्ट के बाद सबके CGPA इस बार चाहिए, मतलब मेरे आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके स्टोरी लगा सकते हो, जो भी अभी रिजल्ट मतलब पेपर आने के बाद पेपर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने चीज़ें बताई हैं। तो वैसे भी मुझे पता है कि सब टॉप ही करने वाले हो, तो ये सब मत कर जाना, टॉप दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में भी सोचेगा। मेन ना सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा जाता है, और इतनी मतलब चीज़ों को क्लियर रखो ना, ऐसा खोल के पढ़ो हर चीज़, उसका पोस्टमार्टम कर डालो कि मतलब ऐसा लगे कि क्या क्या है, क्या पूछ लिया सर आपने, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये साइनअप्स तो आई होप आपको क्लियर होगा। साइनअप्स वर्ड आते ही दो चीज़ याद रखनी है कि द जंक्शन एट विच नर्व ट्रांसफर फ्रॉम द, मतलब इसका यूज़ करके जो नर्व होता है देखो ट्रांसफर हो रहा है ना, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे तो ट्रांसफर होगा नहीं, मान लो इम्पल्स कोई पास करना है तो वो कैसे पास है, किसी का तो उसको यूज़ करना है, तो इनका यूज़ करके हमारी जो इम्पल्स हो रही है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसमें न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरो मतलब होगा न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब वो ट्रांसमिट करने वाला, यानी हमारा जो इम्पल्स आ रहा है उसको ट्रांसमिट कैसे करें, तो उनके लिए कुछ केमिकल्स, एक हिसाब से इसको बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंस, तो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होंगे जो इन्वॉल्व होंगे इम्पल्स को ट्रांस। अच्छा, इम्पल्स ट्रांसफ़र क्यों करना है फिर से बताती हूँ। देखो किसी ने तुम्हें क्या किया, मान लो टच किया, ठीक है टच किया, अब जो लोग जैसे कि पैरालाइज होते हैं उनको पता चलता है, नहीं पता चलता ना कि टच किया, क्योंकि जो ले जाने आने वाली नर्व्स होती हैं अफ्रंट और इफ्रंट नर्व, यानी जो लेके जाती है वो सेंसरी और जो लेके आती है मोटर, जो लेके जाती है अफ्रंट जो लेके आती है फ्रंट, तो जो ले जाने आने वाली नर्व्स हैं वो क्या होती है, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, मक्खी या के चेहरे पे बैठे अगर या कोई मच्छर काटे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक जिंदा लाश की तरह होते हैं ना, तो क्योंकि उनमें जो आने वाली नर्व्स होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लेकिन हम लोग में क्या है, पूरी सब कुछ बढ़िया एकदम सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा होता है, तो हमें इम्पल्स आया तो अब मच्छर जो है अगर आके काट रहा है तो वो इम्पल्स तुरंत हमारी क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब हमारी बॉडी में तुरंत नर्व्स जो होती है वो इम्पल्स जनरेट करती है। अब ये इम्पल्स हमारे डिफरेंट टाइप के बॉडी में न्यूरॉन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते हैं, तो वो जाने के लिए क्या होता है, उनको कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा चाहिए कि वो ट्रांसफ़र करे, अचानक से तो ब्रेन में नहीं चले जाएंगे कि नहीं हटाओ मच्छर काट रहा है या मारो उससे मच्छर काटा, नहीं होता ना ऐसा, तो हमें कुछ जनरेशन चाहिए होती है, तो उन्हें कहते हैं केमिकल सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ए ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। यानी अब देखो साइनेप्स हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, अब उनके बीच में जो चीज़ ट्रांसफर होता है केमिकल उसे क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बट मोस्ट कॉमन इज एसिटाइल कोलिन। आप लोग पढ़ोगे तो एसिटाइल कोलिन जो होता है ये मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके नॉर्मली का हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट इज स्टोर्ड इन ए साइनेप्टिक वेसिकल एंड बाई एक्साइटोटॉक्सिसिटी लिबरेट इन टू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो मैंने बताया था कि ये जो होता है स्टोर रहता है साइनेप्टिक वेसिकल्स में और बाई एक्साइटोसिस, मैंने मुझे ये वर्ड थोड़ा सा लग रहा था, एक्साइटोसिस जो होता है वो क्या होता है, लिबरेट होता है कहाँ पे, साइनेप्टिक वेसिकल्स में। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक्साइटोसिस यहाँ से कौन से वो स्टोर होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स में और एक्साइटोसिस क्या यार, मैं एक वर्ड ये पता नहीं क्या, ये मैं कभी नहीं बोल पाती थी, अपने क्लास में भी ऐसा होता था, एक्साइटोसिस। ठीक है, एक्साइटोसिस, तो बाय द यूज ऑफ एक्साइटोसिस मतलब क्या होता है, वो जिससे कि वो ट्रांसमिट होता है, जो प्रोसेस होती है, तो वो क्या होता है, अब फट जाती है वेसिकल जो होती है वो ऐसे खुल जाएंगी, पूरी वेसिकल जो होती है पूरी खुल जाएंगी और ये जो होते हैं यहाँ पे गिर जाएंगे, मान लो ऐसे, तो मतलब गुब्बारा है उसमें से फट गया, गुब्बारे में टॉफियाँ भरी हैं, वो टॉफी क्या जाएगी, यहाँ गिर गई। ठीक है, तो ये टॉफी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आ जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, आप ये जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और रिएक्शन दिखाते हैं। तो यही इसमें पूरा लिखा है कि बाइंड टू, फिर क्या कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है ना वेसिकल एंड एक्साइटोसिस जो होता है लिबरेटेड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, फिर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये करता है बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, फिर उसको डीपोलराइज करता है हाइपरपोलराइज करता है, ये आप लोगों को मैं एक्शन पोटेंशियल में आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। तो ये हो गया डीपोलराइज करता है, और फिर क्या कहता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इन एंजाइम विच हेल्प टू ब्रेक इट इन टू द एसिटेट। और एक वहाँ पे फिर क्या होता है, देखो अब ऐसा नहीं कि रिसेप्टर पे वो बाइंड कर रहा, अब वो बाइंड करेगा मान लो तो वो क्या करेगा, मच्छर को भगाता रहेगा, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा तो करना नहीं है,
तो हमें क्या करना है, फिर वो ट्रांसमिशन रोक देता है। मान लो अगर जैसे खुजली हुई, खुजली कर ली, अब वो ट्रांसमीटर रुक गया, अब वहाँ पे फिर ऐसा नहीं कि आप दिन भर रात भर उसको आपको मच्छर काटा है उसको खुजली करते रहोगे, नहीं, तो अब वो ट्रांसमिशन जो होगा वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, तो वो रुकेगा कैसे, वहाँ पर कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर आता है उसको तोड़ देता है, वो ख़त्म करता है, वहाँ से हटाने का काम करता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हो गई पहला कि वो सैनैप्टिक लेफ्ट में, आप लोगों को ऐसे लिखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो पहला आपको क्या लिखना है कि वो सैनैप्टिक लेफ्ट जो होता है उसमें स्टोर होता है, सिंथेसिस होती है उसकी, फिर एक्साइटोटॉक्सिसिटी की वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद उसका डिग्रेडेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी डिग्रेडेट में तो ख़त्म होना, यानी जो सैनैप्टिक लेफ्ट है वहाँ से उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑफ एंजाइम काम करते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, इस एंजाइम। हाँ, तो देखो मैंने इसको अपने नोट्स में नहीं ऐड किया क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका भी तो थोड़ा फायदा होना चाहिए, है ना, वैसे नहीं है, मैंने बाद में एक्चुअली इसको ऐड किया इसलिए मैंने यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो ये कहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है पैरासिंपैथिक, मैंने आपको HAP में बहुत अच्छे से फर्स्ट में क्लियर किया है। तो देखो मैंने बताया ना प्री सिनैप्टिक होता है पोस्ट सिनैप्टिक, तो प्री सिनैप्टिक जो होता है उसमें एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, और जो पैरासिंपैथिक होता है उसमें भी एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो जो पोस्ट सिनैप्टिक होता है वहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, एडेनर्जिक होता है। ठीक है, यानी प्री गैंग्लियन, आप लोग गैंग्लियन यहाँ लिख सकते हो सिनेप्टिक की जगह, क्या लिखना है प्री गैंग्लियन, और यहाँ क्या लिखना है पोस्ट गैंग्लियन, सिनेप्टिक थोड़ा सा अलग हो जा रही है चीज़ें। ठीक है, तो प्री गैंग्लियन में एसिटाइल कोलिन होता है और पैरासिंपैथिक में भी एसिटाइल कोलिन, लेकिन पोस्ट गैंग्लियन जो होता है उसमें क्या होता है एड्रेनर्जिक होता है, एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन होता है, और इसमें क्या होता है एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका इसीलिए बोल रहा है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो SP का बात कर लेते हैं, SP मतलब सरल पॉइंट। ठीक है, आपको नोट लिखना है वहाँ पे, तो नर्व इंपल्स कॉजिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं एक्साइटेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं। देखो अगर नर्व इंपल्स होता है अगर डीपोलराइजेशन कॉज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे एक्साइटेशन, क्योंकि एक्साइटेशन कॉज करता है डीपोलराइजेशन, लेकिन अगर नर्व इंपल्स होता है वो हाइपरपोलराइजेशन कॉज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे इनहिबिटरी नर्व इंपल्स कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर आप लोग को मन करेगा बना लीजिएगा, ये प्री सिनैप्टिक हो गया, ये पोस्ट सिनैप्टिक हो गया, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, तो अगर ये वाला हो गया तो इसको क्या कहेंगे एक्साइटेटरी कहेंगे, और अगर ये वाला हो गया तो इसको क्या कहेंगे इनहिबिटरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नोट्स में जो होगा वो यूनिट प्रोवाइड मतलब ख़त्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो अच्छे से पढ़िए, शेयर मन करे तो कर दीजिए, बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।